राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है। कल तमाम कांग्रेसी वहां पहुंचेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं भारत जोड़ो यात्रा की और कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, ये यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, तो एक सेट स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। सारे जो लगातार यात्री चल रहे हैं राहुल जी के साथ, उनके सबके अपने रुकने का, ठहरने का, साथ में कंटेनर चल रहा है, उनके खाने का एक अलग इंतज़ाम है और उसमें वो लोग रहते हैं। परंतु कई वर्षों बाद इतना उत्साह प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मैं उत्तर प्रदेश में इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए देख रहा हूँ। उनको ऐसा लगता है जैसे ये महायज्ञ है, कोई पवित्र काम है, इसमें सम्मिलित हो जाए। तो हमारे बलिया से लेकर, देवरिया से लेकर, हमारे पास संसाधन नहीं है, मौसम भी बहुत विपरीत है, लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है मत आइए वहाँ, सर्दी भयानक है। मेरठ मुजफ्फरनगर की वो बेल्ट जो है, जो हिमालयन फुट हिल से काफ़ी नज़दीक है, परंतु मैं समझता हूँ कि लोगों का उत्साह मौसम पर भी भारी पड़ रहा है, संसाधन पर भी भारी पड़ रहा है, जिसको जैसे मिल रहा है वो वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहा है। तो ये चुनौती हम लोगों के सामने है कि हम ये नहीं जानते कि वहाँ पर जो लोग आ जाएंगे उनके कितनों के रुकने का हम इंतज़ाम कर पाएंगे, कितनों का नहीं, पर हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्कूल, कॉलेज, सब जगह एक सुलभ, सुविधाजनक व्यवस्था करने का प्रयास किया। कितनी भीड़ यूपी से जाएगी वहाँ पे, कितने लोग जाएंगे? देखिए, मैं फिर कह दूँ आपसे, अब जो न्यूक्लियस है मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर या इधर गाज़ियाबाद नोएडा बुलंदशहर आगरा, वहाँ तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत से लोग आ रहे हैं, पर हर ज़िले से 100 से 200 लोग तो जा ही रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा तो तभी लगेगा जब उनका टर्नआउट होगा। हम प्रयास कर रहे हैं एक दिन जो रह लें वो दूसरे दिन ना रहें, तो हमारी ये पूरी व्यवस्था चल रही है, पर उत्साह सब पर भारी पड़ रहा है। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से कि सब सफलतापूर्वक संपादित हो जाए 3, 4, 5 यार। सबसे बड़ा सवाल सर ये है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं 80, पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है उत्तर प्रदेश की, जिसकी यहाँ पर जीत होगी वही केंद्र में सरकार बनाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है यात्रा का, ऐसा क्यों? देखिए, ये यात्रा का फोकस है कन्याकुमारी टू कश्मीर, तो उस रास्ते में जो पड़ रहा है हम वहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, नहीं जा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक बड़े हिस्से में हम नहीं जा पा रहे हैं, राजस्थान के एक बड़े हिस्से में नहीं जा पा रहे हैं, और इसी तरह जो बिहार है, इन सब जगहों पे नहीं जा पा रहे हैं। तो ये चुनाव से इसको जोड़ के मत देखिए, इसको तभी आप सफलतापूर्वक समझ सकते हैं जब कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ेंगे। आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति ने इतनी बड़ी यात्रा इतनी सफलतापूर्वक इतने जन उत्साह के साथ आज के पहले कभी नहीं किया। यात्रा को रोकने की भी काफ़ी कोशिश की गई, कोविड का हवाला दिया गया, चिट्ठियां लिखी गई। अब भारतीय जनता पार्टी का कोविड लगता है दोस्त, वो भारतीय जनता पार्टी के जीन्स कुछ मिलते जुलते हैं उससे लगता है, तभी तो प्रधानमंत्री के रैली में नहीं जाता, उनके रोड शो में नहीं जाता, उनका जो विरोध मार्च निकल रहा है भाजपा वालों का राजस्थान उसमें नहीं जाता, अरुणाचल जाके त्रिपुरा में रैली करते हैं उसमें नहीं जाता, पर उनको कांग्रेस की यात्रा में जरूर दिखता है। तो सब पे जो सामान्य रूप से लागू होगा, हम नियमों को मानने वाले हैं, उसका पालन करेंगे, पर ये मान के चलिए कि यात्रा श्रीनगर के उसी चौक पर जाके रुकेगी जिसका हमारी आज़ादी से पूरा रिश्ता है। इस यात्रा में कई बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी टूटा, इसकी चिंता जताई है। देखिए, सब चिंतित हैं, सब कोई नहीं चाहता प्रोटोकॉल तोड़ना, लेकिन जब आप एसपीजी छीन लेंगे, मैं तो केंद्र सरकार को ब्लेम करता हूँ,
आप पर्याप्त सुरक्षा नहीं देंगे तो टूटता है। अगर उनका घेरा एसपीजी का होता और ज़्यादा वहाँ पर सशस्त्र बल होता तो जिसको वो चाहते हैं वही आता। अब दिल्ली में मैं था, दिल्ली में ना कोई घेरा दिख रहा था मुझे, ना दिल्ली में मुझे कोई सुरक्षा कवच दिख रहा था, तो वो क्या करे। अब आप 113 बार इग्नोर रूम तोड़ा, तो अगर किसी से वो मिलना चाहते हैं और आपका घेरा मजबूत होगा तो मिलने में तो दिक्कत नहीं होगी ना। भारत जोड़ रहे हैं राहुल जी, क्या परिवार भी जोड़ेंगे? वरुण की बात देखिए, इसे राजनीति से मत जोड़िए। परिवार परिवार की जहाँ तक बात है, इसके संदर्भ में मेरी कोई जानकारी नहीं है, मुझे मालूम नहीं, तो इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। पर मैं इतना जानता हूँ कि मेनका जी और वरुण जी का जो अपमान भाजपा कह रही है, ये तो मेनका जी वरुण जाने कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने अपने बायो से भी हटा दिया है, ट्विटर में भाजपा भी जो बायो में लिखा रहता था वो भी हटा दिया है। अब अमेठी से बात उठ रही कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है वो देखकर, चूंकि मैं अमेठी के बगल का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर के बगल का रहने वाला हूँ, अब ये इनकी क्षमता पर है कितने दिन ये अपमान भाजपा का सह सकते हैं। आपको लगता है कि भाई भाई को एक होना चाहिए? मुझे तो लगता है पूरे हिंदुस्तान को एक होना चाहिए। तो प्रमोद तिवारी जी थे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनका कहना है कि पूरे हिंदुस्तान को एक होना चाहिए। वरुण गांधी पर सीधे बोलने से बचे, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि दोनों का, यानी वरुण और मेनका दोनों का भाजपा में अपमान हो रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, बीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।